लोकतंत्र के मंदिर का सर्टिफिकेट देंगे सुशील, जो जो पार्टी इस देश में सारे लोकतंत्र को समाप्त कर रही है वो लोकतंत्र का सर्टिफिकेट किसको दे सकता है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। लोकसभा संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार बिहार में सियासत तेज होते जा रही है। एक तरफ भाजपा के नेता सुशील मोदी ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जो विपक्षी दल के जो लोग हैं, जो बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की मंदिर है। अगर उसमें कोई जाने से बॉयकॉट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब बात किया गया जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सुशील मोदी कौन होते हैं वही देंगे लोकतंत्र का सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा कि जो देश भर के सारे लोकतंत्र को तार तार कर दिया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। और जिस तरीके से संसद भवन का उद्घाटन अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो एक बार इतिहास को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोग जो इतिहास को ही पलट देते हैं वो लोकतंत्र की बात करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, इस वीडियो को आप पूरा देखें। के मंदिर का हम काहे का अपमान करेंगे? लोकतंत्र का मंदिर तो मेरा है, लोकतंत्र के मंदिर का सर्टिफिकेट देंगे सुशील मोदी? जो पार्टी इस देश में सारे लोकतंत्र को समाप्त कर रही है वो लोकतंत्र का सर्टिफिकेट किसको दे सकता है? आप बताइए दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से 5 जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली के चुनी हुई सरकार को अधिकार दिया। 5-0 से किसी जज की असहमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनी हुई सरकार पर कोई मनोनीत लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे शासन करेगा भाई जनता पर? 3 काम छोड़ दिया उन्होंने भारत सरकार के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जिम्मे, एक पुलिस, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरा जमीन का मामला। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने कहा कि सभी काम दिल्ली सरकार के अधीन रहेगी। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा था, आप अध्यादेश लाके फिर से सारा अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रहे हैं। लोकतंत्र चला रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप इस देश में अघोषित तानाशाही लागू कर रहे हैं। और 2024 तक देश की जनता देख रही है, दोस्त 2024 में आपको मुक्त करेंगे। लोकतंत्र का परिभाषा सिखा रहे हैं। लोकतंत्र का तो है जो अभी वर्तमान में संसद भवन है, उसका एक गरिमा है, उसका धरोहर है, वो संवैधानिक धरोहर है। आपको जरूरत है तो उसको उसमें एक्सटेंशन कर सकते थे, उसको और बढ़ा सकते थे। तो उसको बंद करके नया इतिहास लिख रहे हैं, मोदी इतिहास लिख रहे हैं नए संसद भवन का निर्माण करके, माने पुराना इतिहास को समाप्त करके नया इतिहास कर रच रहे हैं। यही काम कर रहे हैं और कर रहे हैं लोकतंत्र, इसको लोकतंत्र सिखा रहे हैं। लोकतंत्र का हत्या तो आप कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। अरे मुक्त हो रहा है ना, हिमाचल मुक्त हो गया, कर्नाटक मुक्त हो गया, दिल्ली नगर निगम चुनाव में बहुत भारी इंतजाम किए थे, पूरा दिल्ली नगर निगम को एक करके ज्वाइंट कर दिए, बिल ले आए, पास करा लिए, तब भी इन्हें खुश हार गए। पूरा दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में कैगो सीट मिला है भारतीय जनता पार्टी को? लज्जा भी नहीं है लोगों को? जब सीट हार जाते हैं, जनता के वोट से हार जाते हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन करना चाहते हैं, कौन सा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? सुशील मोदी जी को लोकतंत्र से मतलब नहीं है, वो 2024 देख रहे हैं, अभी उनका टर्म पूरा हो रहा है। 28 तारीख बायकॉट कर रहे हैं सारे विपक्ष के लोग, तो बायकॉट कर रहे हैं। आज देखे हैं लिस्ट, उसमें वही सब एक गो पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट का है वही लोग आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ये होता ही है, जिस दिन दिल्ली की सत्ता बदल जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट की सभी पार्टी रातों रात बदल जाएंगे। तो एक गो MP, 2 गो MP वाला पार्टी है वही उनके इस 28 तारीख में शामिल हो रहा है। ठीक है, नवीन पटनायक जी हैं तो हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना थी तो आप भाजपा के साथ थे, और भाजपा मुक्त भारत की बात आ रही है तो आप UPA में हैं। हाँ, हम कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, हमने कभी कांग्रेस मुक्त की बात नहीं कही।
कहाँ से आप परिभाषा निकाल रहे हैं? हमने कभी नारा, हम लोगों ने कभी नारा दिया था क्या? कांग्रेस कांग्रेस अरे कांग्रेस कांग्रेस ने मुक्त में कभी हम लोगों ने नारा दिया था क्या? ये आपकी परिभाषा हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है अटल जी, आदरणीय अटल जी और आदरणीय अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी जो लोकतंत्र में विश्वास करते थे, जो अपने सहयोगियों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे, जो अपने साथियों के प्रति प्यार का भाव रखते थे। आप तो तानाशाही का भाव रखते हैं, अहंकार में आप हैं, और पूरे अहंकार में आप इस देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। एक एक इस देश की संस्था का नाम बताइए जो निष्पक्ष है, एक संस्था का नाम बताइए जो निष्पक्ष है, नहीं है। चौथा स्तंभ जो था वो अभी अब निष्पक्ष नहीं। जब होगी आपको बता दीजिए। सर 2000 के नोट लेकर जो फैसला लिया गया है, आप 2000 नोट नहीं दिखेंगे, कैसे देखते हैं? नोटबंदी करने के बाद कहा गया था भाई, आपको हम बताए तो कि यहाँ मुखर कानून चल रहा है, मुखर कानून कहते हैं उसको, जो मोदी जी बोल दिया वही देश में कानून बन जाएगा। तो वो कह दिए कि भाई 500 1000 रुपये का नोट खत्म हो जाएगा, 500 का नोट खत्म हो जाएगा, 2000 का नोट ले आए, फिर अब कह रहे हैं कि 2000 का नोट खत्म हो जाएगा तो कल दूसरा नोट ले आएंगे। तो ये मुखर कानून वाला राज है, मुख से जो निकला वही कानून। तो आपने सुना, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी पे भी उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी जो हैं वो लोकतंत्र का सर्टिफिकेट देंगे, जो लोकतंत्र का तार तार करके रखे हैं, जो इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं, वैसे लोग अब और क्या कुछ बोलेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।